हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सिक्किम टूर का सेकंड डे है और आज हम लोग निकलने वाले हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। अब जो भी 10-15 साइट सीइंग है, रोप वे सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ रोप वे के लिए, क्योंकि उससे पूरा एक सिक्किम का जो है ब्रॉड व्यू मिलता है, एरियल व्यू। कि हम लोग पहुँच गए हैं गैंगटोक के रोप वे के लिए। हम लोग यहाँ पे टिकट कटाएंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये अंदर टिकट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं टिकट के लिए। और इतने लोग वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 मिनट लगता है टिकट लेने के बाद। पाँच हम आपको पूरा डिटेल दिखाने वाले, ऊपर से कैसा लगता है पूरा गैंगटोक। स्टे ट्यून, देख लीजिए आप प्रॉपर्ली। तो ऐसे आप टिकट कटा के ऊपर जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे और यहाँ से वाओ, कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। ये देखिए, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बहुत मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे पूरे गैंगटोक का। वाओ, ये देखिए एक और केबल कार गई हमारे बाजू से। बहुत अच्छा लगता है पूरे घर जो है टॉप व्यू से। आपको सिर्फ लाल, ब्लू, ग्रीन, यही सारा कुछ यहाँ से आपको दिखेगा। बहुत मस्त लगता है। वाह वाह, चलिए ये फाइनली हम पहुंच गए। कितना मजा आया हम लोग यार। ये देखिए सारे लोग अभी और वेट कर रहे हैं। आपको एक 1.5 घंटे तो टाइम लगेगा ही लगेगा यार। हाँ। वो चीज है यहाँ पे, क्योंकि एक ट्रिप जाता है फिर आता है फिर वो नेक्स्ट टिकट काटता है। राइट। कालू 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 खालिया, गाड़ी चला रहा है, देख रहा है अंकल जी डांट तो नहीं है। देखिएगा देखिए देखिए चलाइए ये हमने 2 घंटे के सुहाने सफर को कंप्लीट करके पहुंच गए हैं हम लोग रुमटेक मॉनेस्ट्री के आसपास। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे और इसलिए हम लोग रुके हैं होटल पे। आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलेंगे रुमटेक मॉनेस्ट्री के लिए। बने रहिए वीडियो के साथ, फिर उसके बाद चलते हैं रुमटेक मॉनेस्ट्री। क्या व्यू है यहाँ पे, हम क्या ही बताएं। देखिए क्या बात है, मस्त मोमेंट लग रहा है, एकदम आ रहा है। कैसा लगा? थोड़ा तीखा है ज्यादा। रूम टेक खा सब फेंक दीजिए, चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं रामटेक मॉनेस्ट्री की तरफ। इतना सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे लगा रखे हैं। व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, सो हम लोग को यहाँ पे चरण पादुका के सहारे ही जाना है। आइडेंटिटी कार्ड, चलिए दिखाते हैं। अच्छा सही बात है, चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। देखा खा के तो और मुश्किल है। ये लो के दाना पे बाबू।
ये देखिए पूरा मॉनेस्ट्री का है यहाँ पे, ये जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बहुत सुंदर है। अंदर तो अभी हम लोग जाके आए, फोटोग्राफी अलाउड नहीं कहते हैं, बट ये बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी कलाकृति है यहाँ पे, ये पूरा चारों तरफ यहाँ पे है। और ये देखिए बच्चे लोग दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, यहाँ पे सब लोग हैं। और ये देखिए शिवानी वहाँ गई हैं, तो चलिए थोड़ा उनका भी कवर कर लेते हैं कि वहाँ पे कुछ बन रहा है, तकिया क्या सब है, मतलब ये लोग हो सकता है कुछ काम करते हो यहाँ पे, मे बी जीवन यापन के लिए, ये कुछ पूछ रही है। क्या है पूजा का? यहाँ से देखते हैं, मुझे दिखाते हैं जो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए हम लोग कर्म सिंह नालंदा इंस्टीट्यूट पे पहुँच गए हैं बुद्धा स्तूप पे, चलिए अब अंदर चलते हैं। ये हम लोग बुद्ध स्तूपा पे आए हैं, अब ये दिखाते हैं अंदर क्या क्या है यहाँ पे। रोहन बाबू भी फोटोग्राफी में लगे हैं, शिवानी जी भी रील बना रही है, बहुत नीचे है यहाँ से, इतना ऊंचा चढ़ना तो मतलब हालत हो जाता है। किधर? दिस वे गोल्डन स्तूपा, ओके गोल्डन स्तूपा दिस वे, आइए शूज निकाल दीजिए, हो आइए आगे निकाल देते हैं। चलिए के अंदर ये सारे कुछ कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी, चलिए शिवानी जी देखते हैं अंदर क्या क्या है। और सब इधर है, पूरा पेंटिंग बना हुआ है एक्चुअली वॉल पे। चलिए आ जाएगा तो सब नगीना बीन बजाने। चलो चलो चलो, ये रहा वाटरफॉल, ओ यहाँ काफी टाइम बाद वाटरफॉल देखने को मिला, क्या फॉल है भाई। वो छोड़ो मना, वो टाइमिंग इधर बना रहा है पूरा, मैं घंटे वीडियो कहाँ पर नहीं खड़ा होगे, ऊपर बनता है ऊपर नहीं। देखिए मम्मी जा रही है, देखिए मामा जी को देखिए, मामा जी ये देखो कितना बड़ा वाटरफॉल, ये देखो ये देखो ये देखो,
आओ आओ चल एनी चल एनी अन्ना ही नहीं नहीं आओ आओ एनी एनी अन्ना अन्ना ही नहीं अन्ना ही नहीं नहीं इधर देखो ये लोग सब पब्लिक इतना सारा लोग ये देखो बहुआ सब है अ देखो उधर रोपवे है रोपवे रोपवे अन्ना ही नहीं नहीं भैया जी भी बिहार से ही हैं हम लोग को बड़ा अच्छा लगा एक बार बनवाइए ले नहीं नहीं हो गया देखिए खा के हो कैसा है देखिए हाँ हो गया ओहो मस्त है बस तो और क्या चाहिए चलिए रुकिए तो हम तो यहाँ पे दुकान है भी सकते हैं 20 रुपए इसका एंट्री चार्ज है मस्त है लेकिन आइए लीजिए ये फ्लैग तो हर जगह है पकड़िए हम लोग चलते हैं बस अब हो गया घूम बहुत अच्छा फ्लावर था हाँ और उसका सीट भी मिलता है जिसको चाहिए होगा हाँ नहीं हाँ ये हम पहुँच गए हैं गणेश टोक मंदिर यहाँ पे गणेश टोक है और इधर जो है सो ये जू है यहाँ पे अंदर जाके एक्चुअली है और ये सारा कुछ मार्केट है जहाँ पे हम खाना पीना खा सकते हैं और यहीं पे एक वो जो हमारे भैया हैं उन्होंने बोला कि यहीं पे एक हॉन्टेड हाउस है आगे बना हुआ तो वहाँ पे भी चलेंगे मैंने ये है मतलब ह्यूमन मेड है बट वहाँ पर ऐसा पूरा एकदम डरावना सा व्यू लगता है तो हम लोग अभी चलेंगे वहाँ पर देखते हैं कि कितना डरावना है एक्चुअली में सही में एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है इनको तो बहुत जरूरी है इनको वैसे भी बड़ा डर लगता है नहीं कहाँ नहीं जाएंगे चलेंगे एक बार ओहो ये देखिए ये है स्पूकी हाउस बस तब चलिए हॉन्टेड हाउस होके ही आएंगे ओ ये रहा भूत बंगला क्या है इस हॉन्टेड हाउस में भाई ये देखिए बाबू राव जो है यहाँ पे घूम फिर रहा है हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग खाना वाना भी खा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छा है आइए हम अंदर आते हैं तो आप लोग आइए वॉशरूम से चलिए ये देखिए आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में बड़ा अच्छा लग रहा है ये इधर बैठिए ना इधर राइट साइड बाबा बैठिए यहीं पे व्यू दिखेगा मस्त थोड़ा सा भैया आगे कर देंगे इसको यहाँ पे टेबल यहाँ पे कुछ तरह से जैसे
इल हो चुके हैं। ऐसा करें, उन्होंने बोला बाहर से निकालो करके। ये है तासी व्यू पॉइंट और हम लोग पहुंच गए हैं तासी व्यू पॉइंट पे। और ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही जाना पड़ेगा वॉकिंग डिस्टेंस। देखिए हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे शेरे पंजाब में खाना खाने। और ये बाबू को दूध खिला रहे, थोड़ा बड़ा भूख लग गया था इसको। ये देखिए आलू भालू सब देख के ही खाएगा। ये देखिए देखे ना, खा लो है। बाकी चम्मच हम मुँह डालते हैं।